तो अगर सिचुएशन ऐसी है तो आई वुड से डेफिनेटली बाइंग अ कार इज अ वाइज डिसीजन, बट फॉर अस एट दिस मोमेंट विंटर्स का ना बस मुझे यही नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा भी नीचे तक जाना हो ना पूरा सारे कपड़े लाद के जाने पड़ते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में तनु? बाहर चलो फिर बताती हूँ। सो हमने रिसेंटली एक पोल किया था, यूट्यूब कम्युनिटी पेज पे भी किया था और इंस्टाग्राम पे भी किया था, और उसमें आप लोगों ने कहा था कि मतलब ज़्यादातर लोगों ने यही कहा था कि आप लोग हमारे पर्सनल व्लॉग्स भी देखना चाहते हो इन बिटवीन ऑल द इन्फॉर्मेटिव एंड सिट डाउन वीडियोज़ जो हम बनाते हैं, उसके बीच बीच में यू वॉन्ट कि हम थोड़ा पर्सनल व्लॉग्स भी बनाएँ। सो हमने सोचा कि ठीक है कर लेते हैं, लेट्स ट्राई दैट। सो आज आई वुड से काइंड ऑफ हमारा पहला एक पर्सनल लाइक व्लॉग होगा, इट्स आर फर्स्ट ट्राई, सो लेट्स सी कैसा जाता है। तो अगर कुछ गलती हो भी जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार व्लॉग वाली वीडियो ट्राई कर रहे हैं, हमने पहले भी एक बार क्रिसमस पे आइस स्केटिंग का व्लॉग बनाया था एंड उसको बनाने में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन फॉर सम रीज़न उसमें इतने व्यूज़ नहीं आए थे, मे बी बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं थे इतने। हाँ मतलब, और उससे पहले हमने एक हाई पार्क का व्लॉग भी बनाया था, हाई पार्क इज़ एक्चुअली टोरंटो का सबसे लार्जेस्ट पार्क है, तो वो भी बनाया था लेकिन वो भी ज़्यादा किसी ने देखा नहीं क्योंकि प्रॉबेबली मे बी उस समय हमारे शायद सिर्फ 200 या 300 सब्सक्राइबर थे, और काफ़ी मतलब इनिशियल टाइम का व्लॉग था, तो उस समय मैं भी इतना ज़्यादा कैमरा पे कॉन्फिडेंट था नहीं, शायद अभी भी नहीं हूँ, तो इसलिए मतलब ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है यार, लेट्स स्टिक टू द इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ओनली, क्योंकि जब आप इनिशियली शुरू करते हो ना, जब आपके सब्सक्राइबर इतना कम हो, तो ज़्यादातर जो लोग आपकी वीडियोस देखने आ रहे हैं ना, वो सिर्फ जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो ना वो देखने आ रहे हैं, रादर देन आपको कि आपकी लाइफ कैसी है, आप मतलब आपका लाइफस्टाइल कैसा है, वो लोग देखने नहीं आते हैं इनिशियली, वो सिर्फ वो देखने आ रहे हैं कि आप इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रहे हो। तो होता ये है कि कुछ भी नया ट्राई करने में डर तो लगता ही है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में दिक्कत तो होती है, लेकिन हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपसे बात करके इस तरह अपने डर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इस तरह व्लॉग्स बना के होपफुली अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम और भी ऐसे व्लॉग्स बनाएंगे एंड इम्प्रूव करेंगे। संडे का दिन और इस भरी दोपहरी में भी इतनी शांति है, आपके दिमाग में चाहे कितनी हलचल चल रही हो लेकिन घर के आसपास थोड़ी देर भी वॉक करने बाहर निकलो तो अंदर की सारी हलचल ठंडी पड़ जाती है, और जब ठंड इतनी हो तो वैसे भी हर चीज़ ठंडी पड़ ही जाती है। अभी आए हुए हैं जब हम वॉक पर, तो आसपास आप देखोगे कि बहुत सारे घर हैं और एक लाइन में साइड से बहुत ही डिसिप्लिन से सारी गाड़ियां पार्क्ड हैं। यहाँ ऐसा ही होता है, अल्टरनेट पार्किंग होती है, एक कुछ दिन इधर सब लोग पार्क करते हैं अपनी गाड़ियां और कुछ दिन दूसरी साइड पे रोकते हैं। एंड आप ये भी देखोगे कि सारे ही घर के आगे बहुत ही अच्छे से गार्डन बने हुए हैं एंड यहाँ पे लोग इन गार्डन्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। अभी तो बर्फ़ जमी हुई है लेकिन जब ये बर्फ़ पिघलेगी, मौसम थोड़ा और गर्माएगा, तो यहाँ पे लोग बहुत ही शौक से अपने प्लांट्स और गार्डनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आप देख रहे हो ये पीछे जो सारे घर हैं, यहाँ पे घर टोरंटो में 100-100 साल पुराने घर हैं, तो इसलिए अब जो लोग ले रहे हैं ना, लोग उसको रेनोवेट करा रहे हैं, तो उसको मतलब रीवैम्प करते हैं। तो अगर आप जैसे पीछे घर देखोगे वो एकदम रीवैम्प्ड है। अब होपफुली कभी हम भी लेंगे ऐसा घर, और जब भी लेंगे तो आपको अपनी जर्नी के साथ साथ में जोड़े रखेंगे कि भाई प्रोसेस क्या होता है, कैसे लेते हैं, कैसे फाइनेंस किया जाता है, घर के लिए सेव कैसे करते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा था। अगर आप ये देखो सामने जो हैं सारे थोड़े ट्रेडिशनल घर हैं, पर अब लोग जो हैं थोड़ा रेनोवेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से रेनोवेट करके थोड़ा उसको मॉडर्न स्टाइल में बना देते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये चलती चले जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, इनकी मंजिल क्या है? हमारी कोई मंजिल नहीं है, हम एक्चुअली निकले कुछ और ही काम करने के लिए थे, लेकिन यहाँ पे यही होता है, थोड़ा भी मौसम अच्छा हो ना, धूप निकली हुई हो,
तो मन करता है चलो आसपास वॉक ही कर लो, क्योंकि यहाँ पे आसपास वॉक करने में भी इतना फ्रेश फील होता है ना, इतना अच्छा लगता है। तो हमारे साथ हमेशा यही होता है, काम हम कुछ और करने निकलते हैं पर फिर हमें लगता है चल ठीक है यार आसपास थोड़ी गेड़ी लगा लेते हैं, फिर आते हुए अपना कुछ जो काम करना है वो काम कर लेंगे। तो अभी यही हो रहा है। तो अब जब हम आपसे बात कर ही रहे हैं 1-to-1 तो आपके कुछ सवालों के जवाब भी दे देते हैं। सो कई लोगों ने हमसे पूछा था कि आपने अपना चैनल का नाम इन द नॉर्थ क्यों रखा है। सो उसका रीज़न ये है कि यार हम चाहते थे कि थोड़ा सा कुछ मतलब जो नाम है थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी देर आर चैनल्स लाइक कैनेडा कपल है, कैनेडा ड्रीम्स है, वैसे और भी कई चैनल्स हैं। तो हम ये नहीं चाहते थे कि नाम थोड़ा सिमिलर हो या कॉमन सा हो, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, हम ये चाहते थे। एंड इसी तरह का एक दिन मौसम था, बढ़िया धूप निकली हुई थी, लेकिन उस टाइम समर्स थे एंड हम बीच पर बैठे हुए थे और हम सोच रहे थे क्या नाम होना चाहिए। तो मैंने निशांत से पूछा, निशांत हम कहाँ पर हैं? मैंने कहा कि हम कैनेडा में हैं। और कैनेडा कहाँ पर है? कैनेडा नॉर्थ अमेरिका में है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में कैनेडा कहाँ पर है? कैनेडा नॉर्थ अमेरिका के भी नॉर्थ में है एंड कैनेडा इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द ट्रू नॉर्थ। तो फिर हमने सोचा यार इन सभी सवालों के जवाब में एक वर्ड है जो कॉमन है विच इज़ नॉर्थ, एंड दैट इज़ हाउ वी केम अप विद दिस नेम कि ठीक है यार अपने चैनल का नाम होना चाहिए इन द नॉर्थ। और सामने राइट हैंड साइड पे जो आप ब्राउन कलर की बिल्डिंग देख रहे हो वो है एक पब्लिक स्कूल है, उसका 20-30 seconds का शॉट हमने एक वीडियो में लिया था। सो इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच, वीडियो का कार्ड स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिख जाएगा। एंड इफ़ यू वॉन्ट अस टू मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट द स्कूलिंग सिस्टम इन कैनेडा फॉर योर किड्स, देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सो तनु, गाड़ी ले लें क्या ये वाली? ले लो, बिल्कुल ले लो, बट फिर सब कुछ छोड़ के इसी के अंदर रहना पड़ेगा। तो कई लोगों ने हमें आइडिया दिया था कि यार आप लोग थोड़ा बाहर जाओ, वीकेंड गेटअवेज पे जाओ और हमें वो सब भी दिखाओ। अब उसमें दिक्कत ये है कि यार हमारे पास गाड़ी नहीं है और यहाँ कनाडा में गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब स्पेशली अगर आप टोरंटो आई मीन सिटी से बाहर जाना चाहते हो, वीकेंड गेटअवेज पे जाना चाहते हो, तो यू नीड अ कार। बिकॉज यहाँ पे आप इंडिया की तरह ऐसा नहीं है कि रोडवेज की बस पकड़ ली, अपना वॉल्वो की डीलक्स बस ले ली या ट्रेन में बैठ गए और कहीं चले गए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना ज़्यादा एक्सटेंसिव अभी नहीं है। विद इन द सिटी अगर मैं कहूँ जैसे टोरंटो के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, आपको आपके पास स्ट्रीट कार है, बसेज हैं, सबवे है, लेकिन कहीं भी अगर आप टोरंटो से थोड़ा सा भी बाहर निकल गए तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है। तो अगर गाड़ी लेना इतना ही ज़रूरी है तो हम गाड़ी ले क्यों नहीं रहे? देखो जी, पहला सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये मुझे लेने नहीं दे रही। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, रियल रीज़न ये है कि यार हम रहते हैं डाउनटाउन के काफ़ी पास और हमारे जो ऑफिस थे ना वो मतलब हमारे घर से हार्डली 10-15 minutes की सबवे राइड पे हैं, तो मतलब हार्डली 10-15 minutes लगते हैं एट मैक्स। और पिछले एक साल से बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वैसे भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऐसे में अगर हम गाड़ी ले भी लेते तो गाड़ी लेने का डिसीजन अपने आप में ही थोड़ी मुझे लगता है थोड़ी फुलिशनेस होती, क्योंकि एक तरीके से ये हो गया ना कि आप हाथी पाल रहे हो। क्योंकि गाड़ी बस खड़ी हुई है और जा कहीं नहीं रही है, और गाड़ी के खर्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। एक तो EMI, ठीक है, अगर आप बेसिक टोयोटा कोरोला भी ले लो तो भी अगर आप जीरो डाउन पेमेंट पे ले रहे हो तो शायद $600-700 की EMI तो पड़ जाएगी। बट अगर आप चाहो कि नहीं यार EMI मुझे कम करनी है, तो वो कैसे होगी कि आप या तो डाउन पेमेंट दोगे। अब डाउन पेमेंट के लिए आपको एक लमसम अमाउंट चाहिए, $4,000 या $5,000 या $7,000। अब वो लमसम अमाउंट हमारे पास है, लेकिन वी डोंट वॉन्ट कि हम इतना बड़ा अमाउंट एक साथ खर्च करें एक ऐसी चीज़ पर जो हम शायद यूज़ करेंगे भी नहीं, मतलब यूज़ करेंगे आई मीन जो डेली उसमें यूज़ नहीं होनी है। और इसके अलावा कार की इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगी है यहाँ पे पर मंथ, अगर आप नए ड्राइवर हो, नए मतलब कनाडा में नए हो, इवन इफ अगर आपके पास 10 साल का भी एक्सपीरियंस हो लेकिन आप कनाडा में अगर नए हो तो भी आपको लगा लो आप 300-400 कई बार $500 पर मंथ की कार इंश्योरेंस प्रीमियम पड़ सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग काफ़ी महंगी है, दिल्ली की तरह नहीं है कि कहीं भी जगह मिली तो गाड़ी बस लगा के निकल गए, आपको पार्किंग देनी पड़ती है। उसके अलावा जैसे हम रेंटल बिल्डिंग में रह रहे हैं या फिर आप चाहे कॉन्डोमिनियम में भी रह रहे हो, तो उस बिल्डिंग की भी जहाँ पे आप पार्क करोगे वो भी आपको प्राइस पे करनी पड़ती है, विच इज़ समवेयर अराउंड $100 or even $150 पर मंथ। सो अगर हम ये कहें कि यार हम सेकेंड हैंड कार ले लेते हैं, तो सेकेंड हैंड कार ले भी लोगे तब भी ये खर्चे तो रहेंगे ना, कार की इंश्योरेंस प्रीमियम, टोरंटो की पार्किंग प्राइस, और फिर आपकी बिल्डिंग की जो पार्किंग की वो मंथली जो चार्ज है $100-150, वो भी इतना खर्चा करना एक ऐसी चीज़ पे जो हम शायद अभी डेली में यूज़ नहीं करेंगे, तो
हमें तो मतलब सेंस नहीं लगी, इसलिए हमने अभी तक ली नहीं है. एग्जैक्टली. एंड एक्चुअली यही गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं. वो लोग यहाँ आते हैं, थोड़ा पार्ट टाइम वर्क भी करने लगते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ, एंड उनको लगता है कि गाड़ी ले लेनी चाहिए, एंड वो पीयर प्रेशर में आके कभी कभी गाड़ी ले भी लेते हैं, तो वो फालतू का खर्चा ही हो जाता है. तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी लेना सभी के लिए फुलिशनेस है, क्योंकि अगर आप सपोज़ आप रहते हो सिटी से थोड़ा दूर, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऑफिस है टोरंटो की सिटी सेंटर में, और आप रहते हो फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रैम्पटन में या ओशावा विटबी, जो कि टोरंटो से एटलीस्ट 40-50 किलोमीटर्स दूर हैं, तो अगर सिचुएशन ऐसी है तो आई वुड से डेफिनेटली बाइंग अ कार इज़ अ वाइज डिसीजन. बट फॉर अस एट दिस मोमेंट, क्योंकि हमारा ऑफिस घर के काफ़ी पास है, और आई मीन पिछले एक साल से तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो इसलिए एट दिस मोमेंट बाइंग अ कार डज नॉट मेक सेंस फॉर अस. एंड दूसरी चीज़ आती है कि हम रेंटल कार्स क्यों नहीं कर लेते हैं. तो फिर अगर हम रेंटल कार का सोचे भी, तो जैसे ही हम देखते हैं कि जो वीकेंड गेटवेज हैं वो खुले हैं कि नहीं, तो कोविड की वजह से वो सब भी बंद हैं. तो जब वो खुलेंगे तब हम भी सोचेंगे रेंटल कार्स लेने का, और आपके साथ वो जर्नी शेयर भी कर लेंगे. लेकिन अब जिस चीज़ के लिए घर से बाहर निकले थे वो काम भी कर लेते हैं. बिल्कुल. तो अभी हम आए हुए हैं डॉलरामा पर. चाहे डॉलरामा हो या वॉलमार्ट, यहाँ पे सीजन्स और फेस्टिवल्स के हिसाब से सामान भरना शुरू हो जाता है. और क्योंकि अब विंटर्स ख़त्म होने वाली हैं और स्प्रिंग सीजन आने वाला है, और जैसा कि आपने देखा यहाँ पे घरों के आगे या पीछे लॉन्स और गार्डन्स बने होते हैं, और यहाँ पे लोगों को गार्डनिंग का शौक भी बहुत है, इसलिए इस टाइम पे स्टोर्स में गार्डनिंग रिलेटेड सामान ठसाठस भरा पड़ा है. लेने क्या आया हम? इतनी देर से हम ये करने आते हैं. ने देखा कि हम कितना सारा काम करके आ चुके हैं. काफी सारा काम. तो ट्रीट तो बनती है, इसलिए हम खाने वाले हैं बेसन की बर्फी अलोंग विद स्पिनच का पिज्जा जो हम गरम करने वाले हैं. आप लोग भी एंजॉय करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.